अब से मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा जबड़ा। आज सवेरे जल्दी उठकर खुली हवाओं में सांसें ले रहा होता हूं कि इतने में मेरे कमरे से गानों की आवाज आती है। तो मैं डीजे वाले बाबू का पता लगाने अपने कमरे में आता हूं और देखता हूं। माँ, मेरी रिंग लाइट का गलत इस्तेमाल हुआ है। माँ, अब इस टिकटॉक की महामारी के प्रकोप से बचकर कंटेंट की तलाश में वापस छत पर आ जाता हूँ। और यहाँ मुझे समझ में आता है कि हमें जेल जाने की क्या जरूरत, हम घर ही में चक्की पीस लेते हैं। तो ताई जी यहाँ दाल पीस रही है और दद्दू जी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर छत में टहलने के बाद मैं नीचे जाता हूं, तो मुझे यकीन हो जाता है कि वाकई में टिकटॉकरों के पास जल्दी कपड़े बदलने की कोई शक्ति है। मात्र 90 फॉलोवर के लिए इतनी मेहनत, ये पगली रुलाएगी क्या? काफी देर तक लिपसिंग करने के बाद बहन के दांतों में दर्द होता है, तो वो मुझे डेंटिस्ट के पास चलने को कहती है। अब जब तक ये अपना इलाज करा रही है, तो मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूं। दरअसल बाल निकाल में गरीब होने के कारण मैं टॉफियों की जगह ईंटे खाता था और उसकी वजह से मेरे नीचे के सारे दांत खराब हो गए थे, इसलिए मैं नकली जबड़ा लगाता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? आज डेंटिस्ट के पास जाकर मुझे कमाल की चीज पता चली कि छोटा एक्सरे भी होता है सिर्फ दांतों का। अब जब तक बहन का इलाज हो रहा है, मैं सो जाता हूँ। आप लोग बेल आइकन दबा के डिस्टर्ब मत करना।